मुझे लगता था कि या तो आप लोगों की प्रार्थना पूरी करते हैं या नहीं करते हैं। मुझे नहीं पता था कि आप लोगों की आधी अधूरी प्रार्थनाएं भी पूरी कर देते हैं। इतने सालों से मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं ना कि मुझे राधा से मिलवा दो, मुझे उसके करीब ले जाओ। राधा मेरे करीब आई थी, फिर दूर चली गई। राधा की दादी एक जरिया थी जिससे मैं राधा तक पहुंच सकता था, लेकिन उन्होंने भी मुझसे मुंह फेर लिया। प्लीज बाकी बिहारी जी, आप मुझसे मुंह मत फेरेगा ना। मुझे राधा से मिलवा दीजिए ना प्लीज। ओह गॉड, आज पापा राधा के दादी से मिले, अगर वो दोनों एक दूसरे को देख लेते तो। तुमने झूठ बोला ना मुझसे। झूठ नहीं बोल रही। बोला ना झूठ तुमने? नहीं योग, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। दूसरी और कौन सी बात हो सकती है? आप टेंशन मत लीजिए, मैं एकदम ठीक हूँ। सिर्फ ठीक हूँ? मेरी दादी का सिर्फ ठीक है? ये तो बहुत फीका वर्ड है। हमारा घर ठीक हो सकता है, हमारी गाड़ी ठीक हो सकती है, हमारा खाना ठीक हो सकता है, लेकिन हम नहीं। हमें तो खुश होना चाहिए, बहुत खुश। मैं एक चीज पूछूं, खुश हो? आज तक तुमने मुझे मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी दी है राधा। राधा तुम खुश हो ना? हम खुश नहीं, बहुत खुश हैं। आप हैं, गुनगुन है, हमें कुछ और क्या चाहिए? आयुक, बहुत खुश हूं मैं, बहुत खुश, बहुत खुश हो ना। राधा बिटिया, युग तुमसे बहुत प्यार करता है, जान छिड़कता है तुम पर। पर मेरी एक बात याद रखना बेटा, जहाँ बहुत ज्यादा प्यार होता है ना, वहीं दिल टूटने का खतरा भी होता है। और दिल से टूटा हुआ इंसान कुछ भी कर सकता है। दादी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? कुछ हुआ है क्या? नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ है। और चाहे कुछ भी हो जाए, युग को कभी मोहन और उसके परिवार के बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। दादी, हेलो दादी, दादी ने आज तक कभी भी मुझे किसी भी बात के लिए इस तरह आगा नहीं की। उनकी इस बात का कई तरह से मतलब निकाला जा सकता है, पर ये सही है कि युग कभी भी मोहन जी से ना मिले, वरना क्या अनहोनी होगी, ये तो मैं सोचना भी नहीं चाहती।